जय हिंद दोस्तों। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप इस बार की हिंदी की बोर्ड परीक्षा में कभी नहीं फेल हो सकते, क्योंकि बोर्ड परीक्षा हिंदी में कोई फेल होता ही नहीं है। अगर आप अच्छे से लिखने का तरीका जान जाएं, अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका जान जाएं, तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तब भी आप हिंदी में पास हो जाएंगे। आगे आने वाले सभी पेपर्स में हम आपको पास होने का तरीका बताएंगे, लेकिन पहले आप इस वीडियो को देखिए और आप ये जान लीजिए कि जो आपको 16 फरवरी को पेपर दे के आना है उसमें से लिखना है। सबसे पहले आप एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आप देखेंगे तो हिंदी में 100 का पूर्णांक होता है और 100 में से पास करने के लिए चाहिए मात्र कितने रन? नंबर 33 नंबर। 33 नंबर अगर किसी व्यक्ति का आ जाता है तो माना जाता है कि ये बच्चा पास हो गया। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को देख लिया ना, तो 33 नहीं, आप 50 से ज़्यादा नंबर स्कोर करेंगे हिंदी में। आपने कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है इससे कोई मतलब नहीं है, अगर लेकिन नंबर पाना है तो आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा। परीक्षाएँ आपकी सर पर हैं तो वीडियो देखेंगे तो पास हो जाएंगे, और पढ़ने का टाइम वैसे भी आपके पास अब बहुत कम बचा हुआ है। चलिए देखेंगे हम कैसे आपको नंबर लाना है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्नोत्तरांक एक। एक में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 5। ये पहला हो गया, 2, 3, 4 और इधर 5। और सेम इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे में भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी दोनों क्वेश्चन मिलाकर कितने पूछे जाएंगे? 10 क्वेश्चन आपसे प्रश्नोत्तरांक 1 और 2 में पूछे जाएंगे। और 10 में से आपको 10ों में टिक करना है और टिक करके ये बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। आपको लिखना है प्रश्नोत्तरांक नंबर 1 अंगा, और उसमें आपका जो ऑप्शन सही हो वो आपको लिख देना है ऑप्शन। तो 10 ऑप्शन है, और अगर आप 10ों को सॉल्व कर कर आते हैं 10 ऑप्शन को और आपको कुछ नहीं आ रहा है, तो ABCD आप लगा कर आएंगे, तुक्का मार कर आएंगे, तब भी आपका 3 नंबर यहां से बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 3 नंबर बन जाएगा। आगे हम देखेंगे, यहां से आपका 3 नंबर फिक्स हो गया। आप आएंगे तीसरे क्वेश्चन पर, और तीसरा क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आपको बहुत सारे नंबर देकर जाएगा, क्योंकि ये है आपका गद्यांश, और गद्यांश आता है 10 नंबर में। कुछ नहीं करना है तीसरे क्वेश्चन में, आपको केवल इस क्वेश्चन को पढ़ना है। जैसे आप पढ़ेंगे, हम एग्जांपल के लिए बताते हैं आपको, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है, मनुष्यों ने युगों युगों से जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही जीवन की श्वास प्रवास है, वही संस्कृति है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है, संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है, संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। पास अगर आपको होना है, अच्छे नंबर से पास होना है, तो आप इस पैराग्राफ को कम से कम, जो आपके पेपर में पैराग्राफ पूछा जाएगा, उसको 2 से 3 बार पढ़िएगा। 3 बार पढ़ेंगे तो ये इसमें आपको 8 नंबर मिलेंगे। जैसे कि इसका अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पूछा गया है राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है, तो राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है, आप देखेंगे इसको फिर से पढ़ेंगे तो संस्कृति और विकास के अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। 2 नंबर हो गए आपके। हम आपको बोल रहे हैं आपको कुछ नहीं आता है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ आपको नहीं याद है, उसके बाद भी आप पास हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस रखिए, अपने आप पर भरोसा रखिए, और ये ठान लीजिए कि लिख कर आना है सभी क्वेश्चन को, चाहे कुछ भी हो जाए, सारे क्वेश्चन को हम हल करेंगे। और सारे क्वेश्चन कर लोगे तो कोई यहाँ पर है नहीं, कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो सभी क्वेश्चन हल करने के बाद किसी को फेल कर दे। कॉन्फिडेंस रखिएगा और पूरा लिख कर आइएगा। ऐसे ही आप करेंगे तो एक में 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 5वें क्वेश्चन का आंसर तो आपको नहीं आएगा अगर आप पढ़ने में कमजोर हैं तो, लेकिन 4ों क्वेश्चन का आंसर आपको आ जाएगा आप कितने भी कमजोर हैं पढ़ने में। 4 क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे तो आपको कितना नंबर मिल जाएगा? 8। इसका भी वेटेज है आपका 10 नंबर का, लेकिन 10 का वेटेज है, लेकिन इसमें भी आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। अभी आपने देखा 2 से 3 मिनट वीडियो को चले हुए और 11 नंबर आपको मिल गए। और आगे हम बढ़ेंगे, आगे क्या है? आगे ये अथवा वाला क्वेश्चन है, अथवा वाला सॉल्व नहीं करना है आपको। आप 4थे पर आएंगे तो ये एक आपको कविता मिल जाएगी। कविता में भी आपको 10 नंबर के क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसमें से 8 नंबर के क्वेश्चन आपको कविता में ही दिए जाएंगे। जैसे कि अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन है, आह शब्द से किस भाव को व्यक्त किया गया है? तो आह क्यों व्यक्त किया जाता है? जैसे आपको कभी चोट लगी, आह चोट लग गई, चोट लग गई, ऐसा बोलते हैं ना, तो आह दुख को व्यक्त करता है कि चोट लग गई, मुझे दुख हो रहा है, आप ऐसा लिख देंगे। और आप जितने भी क्वेश्चन हैं लास्ट वाले को छोड़कर, अगर आप इस कविता को 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो 8 नंबर आपको यहां भी मिल जाएंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। 8 नंबर अगर आपको पाना है तो गद्यांश और पद्यांश को 2, 2, 3, 3 बार पढ़ना है और इसका आंसर देना है। कितने नंबर मिलेंगे इस 10 में से आपको? यहां भी आपको मिल जाएंगे 8 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। आगे हमारा 4था हो गया सॉल्व, 5वें क्वेश्चन पर आते हैं। 5वां क्वेश्चन है,
एक आपको किसी लेखक का साहित्यिक परिचय लिखना है और किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय लिखना है। आप पढ़ना नहीं चाहते हैं लेकिन नंबर चाहते हैं, तो इसका एक तरीका है। 5 नंबर का है ये 5 का है ये 10 नंबर है टोटल। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आप हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तरांक 5 का, फिर आप हेडिंग डालेंगे जो आपने नाम सुना हो तीनों में, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोजी सुंदर रेड्डी, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो आपने ये नाम सुना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी नाम आपने सुना है, तो आप हेडिंग डालेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर एक लाइन छोड़कर नीचे आप हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। अब उस हेडिंग में आप क्या करेंगे, उस हेडिंग में आप जो इच्छा है आप पहली लाइन लिखेंगे कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी गद्य के एक प्रमुख साहित्यकार थे, ऐसा आप लिखेंगे। पहली लाइन आप याद रखिएगा बस कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी गद्य के प्रमुख साहित्यकार थे, ठीक है, ऐसा आप करेंगे। और इतना लिखने के बाद आप कम से कम 10 से 15 लाइन आप जरूर लिखिएगा, 10 से 15 लाइन लिखेंगे। और अगर आपको कुछ नहीं याद आ रहा है कि हम क्या लिखें 10 से 15 लाइन में, आप पीछे आएंगे और पीछे जो आपको यहाँ पर गद्यांश दिया गया है ये वाला, आप कोई सा भी गद्यांश उठाकर गद्यांश ही लिख डालेंगे, कुछ ना कुछ लिखेंगे। कम से कम 10 से 15 लाइन आप लिखेंगे और कुछ ना कुछ लिखकर जरूर आएंगे। अगर आप इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं नहीं, 1 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा कम से कम। अगर आप कुछ लिख कर आते हैं गद्यांश इसके आंसर नीचे छाप कर आते हैं, 1 नंबर मिल जाएगा इसमें। और इसी तरह आपको इसमें करना है, दोनों मिलाएंगे 1 नंबर आपको मिल जाएगा। ये भी आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है दोनों मिलाकर, और 10 में से कितने मिल रहे हैं आपका, केवल 2 नंबर मिल रहा है, क्योंकि थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ठीक है। आगे हम देखेंगे 6ठा क्वेश्चन है हमारा, पास हो जाओगे इसके लिए आप बिल्कुल मत घबराइएगा, पास हो जाएंगे। 6ठा क्वेश्चन है ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। तो आपको क्या करना है, एक इसमें कहानी आप पढ़ लीजिएगा, 2 मिनट लगेगा बस, बहुत ज़्यादा लगेगा 2 मिनट, पंचलाइट कहानी का सारांश आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास कॉपी किताब या कोई नोटबुक नहीं है तो आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर पंचलाइट कहानी का सारांश, और आप उस कहानी को एक बार सुन लीजिएगा। सुनने में 5 मिनट लगेगा और पढ़ने में भी 5 मिनट के आसपास लगेगा, और आप उसे पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद क्या करेंगे, वो कहानी आपको याद है, जितना भी याद है आपको उतना ही लिख देंगे, तब भी आपको 5 में से 3 नंबर मिल जाएंगे। 5 में से कितने नंबर मिलेंगे, 3 नंबर मिलेंगे, 3 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखेंगे हमें कितना नंबर हो गया, 8, 3, 11, 11, 8, 19, 19, 2, 21, 21, 3, 24, 24 नंबर हो चुके हैं आपके। और आप आएंगे 7वें क्वेश्चन पर, तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको पता है कि आपके स्कूल में कौन सा नाटक पढ़ाया गया है तो उस नाटक के नायक का चरित्र चित्रण याद कर लीजिए, और आपको जितना भी याद है, ठीक है, एक पेज लिख सकते हैं या आधा पेज, जितना भी आप लिख सकते हैं उतना आप लिख दीजिए, और आपको मिल जाएंगे 5 में से 2 नंबर। यहाँ पर कितने मिलेंगे, 5 में से 2। आगे हम बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है, ये आपका एक गद्यांश है। तो हम इसमें देखेंगे एक काम, क्या इसमें आपको क्या करना है, जैसे आपको संदर्भ तो आप नहीं लिख पाएंगे, अगर कमजोर हैं पढ़ने में संदर्भ आप नहीं लिख पाएंगे, लेकिन हिंदी में अनुवाद आप जरूर कीजिएगा। क्योंकि आप हिंदी में अनुवाद क्या करेंगे, आप हेडिंग डाल देंगे प्रश्नोत्तरांक नंबर 8 का, और हिंदी में अनुवाद आप हेडिंग डालकर जो आपको समझ में आ रहा है, जैसे धन्य अयम भारत देशा यत समुलसति जनमानस पावनि भव्य भाव उद्बोधनी, तो कुछ तो आप समझ रहे हैं कि धन्य है या भारत देश, जहाँ पर, अब जहाँ पर आपको इतना पता है, अब आपको आगे नहीं पता है जनमानस पावनी भव्य भाव उद्बोधनी, तो आप लिखेंगे धन्य है या भारत देश जहाँ पर जनमानस पावनी भव्य पावनी भव्य भाव उद्बोधनी सद समूह प्रसवनी सुर भारती, ऐसा लिख देंगे। जितना 1-2 लाइन का अर्थ पता है उतना सही से लिखेंगे, और जिसका अर्थ नहीं पता है आप संस्कृत में ही छाप कर आएंगे तो भी आपका 5 में से 2 नंबर फिक्स है। 5 में से 2, 2 नहीं 3 आपको मिल जाएगा, क्योंकि थोड़ा भी अर्थ लिखे रहेंगे तो 3 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा। आगे आप बढ़ेंगे, इसी तरह से आपका एक श्लोक मिल जाएगा। श्लोक में आपको क्या करना है, श्लोक में आपको पढ़ना है सुभाषित रत्नानि का एक श्लोक मिलेगा, तो आप संदर्भ में हम जो बोल रहे हैं उसको आप याद रखिएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित सुभाषित रत्नानि नामक शीर्षक से लिया गया है, इतना लिख देंगे आपको 2 नंबर पहले ही मिल गए। प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित सुभाषित रत्नानि नामक शीर्षक से लिया गया है, इतने में आपको 2 नंबर मिल जाएंगे लिखेंगे तो। और इसका आप अर्थ लिखेंगे,
जो भी अर्थ समझ में आ रहा है, हम बोल रहे हैं बार बार, जो भी अर्थ समझ में आ रहा है वही लिखेंगे। तो इसमें दो मिल जाएंगे कम से कम, और चार नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आगे आप बढ़ेंगे, आगे ये मुहावरा आपको मिल जाएगा। मुहावरा भाई सब हल कर लेते हैं, होश उड़ जाना, अंधे की लाठी होना, आम के आम गुठलियों के दाम होना, ठीक है। अब आगे आप बढ़ेंगे, आगे क्या हो जाएगा आपका, आगे आ जाएगा एक ये संधि विच्छेद है, उसके बाद संधि विच्छेद आपके तीन मिल जाएंगे। तीन मिलने के बाद ये सभी, तो आप देखेंगे एक चीज़, आपके ऑप्शनल कितने आ रहे हैं, एक दो तीन, उसके बाद एक दो पाँच हो गए, छः हो गए, छः के बाद सात और आठ नौ, और इधर आप देखेंगे तो नौ आ गए। अगर नौ में आप लगा देंगे, कोई ना कोई टिक लगा कर आएंगे, तो नौ में से चार तो आपको मिल ही जाएंगे, कम से कम चार इसमें सही हो जाएंगे, क्योंकि ये आपके सुना सुनाया रहेगा। नौ में से चार नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके आइएगा तभी मिलेंगे, सभी को सॉल्व करना है ये आप याद रखिएगा। आगे हम देखेंगे, आगे हमारा क्या है, ये एक रस छंद अलंकार का एक क्वेश्चन आएगा, इन सभी को आप हल करेंगे। चौपाई छंद वगैरह सब आप याद कर लीजिएगा, दो से दस मिनट लगेगा पढ़ने में। और छः नंबर क्वेश्चन है, छः में से तीन आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। फिर एक आपको पत्र लिखने के लिए आएगा, पत्र एप्लीकेशन कहते हैं, एप्लीकेशन आप जैसे छुट्टी के लिए लिखते हैं उसी तरह से लिख देंगे, तब भी ये क्वेश्चन आपका है छः नंबर का, छः में से दो नंबर आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। और आपको आएगा ये निबंध लिखने के लिए, निबंध कैसा भी लिखेंगे, निबंध में आपको तीन नंबर मिल जाएगा अगर आप दो तीन पेज कुछ बनाकर लिखेंगे तो। एक बार नंबर काउंट करते हैं पास होने के लिए, में से 45 आपको मिल गए। अब इतने में पास तो आप आराम से हो जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, कैसी लगी वीडियो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम मिलते हैं ऐसे किस नेक्स्ट वीडियो में। जय।